स्टूडेंट एक्सरसाइज 18 ए का क्वेश्चन नंबर 6 है। द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 405 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट्स पैरेलल साइड आर इन द रेशियो 4:5। क्लियर हो गया बेटा? 4:5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट्स पैरेलल साइड्स आर इन द रेशियो 4:5 एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 18 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द पैरेलल साइड्स। बेटा क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझें, बहुत अच्छे से करें, आपकी समझ में ज़रूर आएगा और आप दूसरों को बताने के काबिल बन जाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है और प्लीज़ साथ में आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें। आइए क्वेश्चन को करते हैं। द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम, तो आप यहाँ पे करेंगे द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 405 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स पैरेलल साइड्स रेशियो ऑफ द पैरेलल साइड्स, रेशियो ऑफ पैरेलल साइड्स इज इक्वल टू 4:5 एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? अब सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स क्या फार्मूला हो जाएगा? यहाँ पर फार्मूला होता है इसका एरिया मल्टीपल बाय 2 अपॉन एल्टीट्यूड। ये फार्मूला बेटा जरूर याद कर लेना, बहुत शॉर्ट फॉर्म में आप क्वेश्चन को कर लेंगे। एरिया अब देखिए कितना हो जाएगा, एरिया कितना है 405 मल्टीपल में 2 अपॉन एल्टीट्यूड कितना है यहाँ पर 18। क्लियर हो गया? यह 18 आपका है। अब इसे आप डिवाइड करें तो 2 9 जा हो गया, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, ये हो गया बेटा 45 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर क्या है, फर्स्ट साइड को आप लेट कर दें 4x और इसको आप लेट कर लें 5x, तो ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 45। देन x इज इक्वल टू 45 अपॉन 9, 9 5 जा 45, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। ठीक है ना, x की वैल्यू जो आ गई आपके पास कितनी आ गई 5 आ गई। देन आप यहाँ पे नोट करेंगे द फर्स्ट साइड इज इक्वल टू 4x, क्योंकि रेशियो कितना है 4x का है, तो 4 मल्टीपल बाई 5, 4 5 जाए कितना जाएगा 20 सेंटीमीटर। एंड द सेकेंड साइड इज इक्वल टू, ये 5x जाएगा तो 5 मल्टीपल बाई 5 इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। और यही बेटा आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। नंबर 7 है, 7 क्वेश्चन बहुत इजी सा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ कि द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 180 सेंटीमीटर एंड इट्स साइड इज 9। इफ वन ऑफ पैरेलल साइड इज लॉन्गर देन अदर साइड बाई 6, तो सबसे पहले लेट द फर्स्ट साइड बी इक्वल टू एक्स, देन अदर साइड बी इज इक्वल टू लॉन्गर है तो एक्स प्लस 6 हो जाएगा, ये कर लीजिएगा। अब देखो यहाँ पर आपको डिस्टेंस बिटवीन टू साइड्स ये आपको गिवेन है कितना 9 सेंटीमीटर। इसके बाद आपको एरिया भी गिवेन है,
एरिया ऑफ ट्रपेजियम, एरिया ऑफ ट्रपेजियम इज इक्वल टू कितना हो गया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड फर्स्ट एक्स सेकेंड एक्स प्लस 6 मल्टीपल में 9 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 6 इंटू 9 180 मल्टीपल में, इस 2 को हमने यहाँ भेज दिया, देन 2x प्लस 6 180 इंटू 2 यहाँ पर हो गया बेटा, और अपान 9 कर देंगे, 9 से आप डिवाइड करें तो 9 20 जा और 22 जा 40, देन आप क्या करोगे 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 22 जा 40, देन 2x इज इक्वल टू 40 माइनस 6 इज इक्वल टू 34, 2x x इज इक्वल टू 34 अपॉन 2 इज इक्वल टू 17, जो फर्स्ट साइड है वो 17 हो गया, x प्लस 6 इज इक्वल टू 17 प्लस 6 7 6 13 11 2 23 सेंटीमीटर। आंसर में आप लिख देंगे फर्स्ट साइड इज 17 सेंटीमीटर, सेकेंड साइड इज 23 सेंटीमीटर। इस तरह से बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। मैं समझता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अपने फ्रेंड्स को जरूर जरूर शेयर कीजिएगा और प्लीज़ लाइक बटन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स टू वॉच।